सब्सक्राइब करें ऑडियो गुरुजी चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी, और ऑडियो गुरुजी में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने लिए पहली बार कोई स्टीरियो एम्पलीफायर खरीदने जा रहे हैं या फिर अपने पुराने सिस्टम को अपग्रेड करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप करे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप हर एक फीचर और हर एक कमी सही से जान सकें सभी मॉडल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्टीरियो इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका फीडबैक मुझे मेरे क्लाइंट से बहुत ज़्यादा अच्छा मिला है। पर्सनली यूज़ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे मॉडल्स हैं सभी के सभी, और इस वीडियो के अंदर मैंने किसी भी प्राइस को टारगेट नहीं किया है, ना ही पांचों को एक रैंकिंग के तौर पर दिया है। सभी एम्पलीफायर अच्छे हैं, आप अपने बजट के हिसाब से इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं और ये सभी आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल होते। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन पांचों की पूरी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन भी बताऊंगा, और साथ में अगर मुझे इनमें कुछ कमी लगेंगी तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, और हमें इन्हें क्यों ख़रीदना चाहिए इसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूँगा, ताकि आपको एक डिसीज़न लेने में कोई भी देर ना लगे, आप फटाफट से डिसीज़न ले सकें कि हाँ ये मेरे लिए सही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस लिस्ट के अंदर आ जाता है डेनन का PMA720AE। तो चलिए पहले कुछ इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें हमें बैलेंस, बेस एंड ट्रबल लाउडनेस के लिए ऑप्शन मिल जाता है कि हम उसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। हीट सिंक की अगर बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और मोटी हीट सिंक इसमें यूज़ की गई हैं, और इसमें हमें डायरेक्ट सोर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है जिससे कि हम अपने सोर्स से आने वाली आवाज़ को डायरेक्टली स्पीकर्स तक भी पहुंचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी के बारे में तो इसमें हमें 6 एनालॉग इनपुट्स मिल जाते हैं, प्री आउट का ऑप्शन भी हमें इसमें दिया गया है, डिजिटल इन के अंदर हमें कुछ भी नहीं दिया गया है इसके, और फोनो का ऑप्शन हमें इसमें मिल जाता है। ऑडियो आउटपुट की बात करते हैं तो इसमें हमें एक ऑडियो आउटपुट मिल जाता है, साथ ही साथ इसमें हमें रिमोट भी दिया गया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। अगर आप हेडफोन का यूज़ भी करते हैं तो इसमें आपको हेडफोन के लिए आउट भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं इसकी कुछ जनरल स्पेसिफिकेशन के बारे में तो ये हमें सिल्वर एंड ब्लैक कलर में अवेलेबल है, साथ ही साथ मेटल का इसमें फ्रंट दिया गया है हमें। पावर कंजप्शन की बात करते हैं तो 200 वाट इसकी पावर कंजप्शन है, स्टैंडबाय मोड पर ये 0.3 कंजप करता है। अगर इसके वज़न की बात की जाए तो 7 किलो 100 ग्राम इसका वेट है, और इसमें हमें ऑटो पावर ऑफ का ऑप्शन भी मिल जाता है, डिटैचेबल पावर कोड है तो आप अपने हिसाब से इसकी पावर कोड को भी चेंज कर सकते हैं। ये हमें रिमोट कंट्रोल के साथ में ही मिलता है, तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है इसकी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इसकी कुछ कमियों के बारे में तो इसमें हमें डिजिटल इनपुट के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर बात करते हैं कि हमें इसे क्यों लेना चाहिए तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि ये इस कीमत में आने वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है जो कि हम ले सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके प्राइस के बारे में। तो फ्रेंड्स, अमेज़ोन पे जो इसका प्राइस है वो है 39,990 रुपीज़, यानी कि ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, अब आ जाता है पायनियर A10AE स्टीरियो इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर। ये हमें 50 वाट पर चैनल प्रोवाइड करता है 4 ओम्स पर। अगर हम इस पे 8 ओम का लोड डालते हैं तो ये 30 वाट पर चैनल आउटपुट हमें देता है। अभी बात करें अगर इसके कंट्रोल के बारे में तो इसमें हमें वॉल्यूम, बेस, ट्रबल, बैलेंस, डायरेक्ट आउटपुट सिलेक्शन, सोर्स सिलेक्शन एंड लाउडनेस कंट्रोल और LED सोर्स इंडिकेटर कंट्रोल्स मिल जाते हैं। फिनिशिंग की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, ये हमें ब्लैक कलर में ब्रश्ड एल्युमिनियम फेस में मिलता है। अब अगर बात करें इसके इनपुट के बारे में तो बैक साइड पे हमें 4 एनालॉग इनपुट्स मिल जाते हैं, टर्न टेबल के लिए हमें फोनो का भी इनपुट मिल जाता है। और फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं आउटपुट के बारे में तो बैक साइड पे हमें 2 स्पीकर्स के लिए आउटपुट मिलता है बाइंडिंग पोस्ट कनेक्टिविटी के साथ, और फ्रंट में हमें एक हेडफोन जैक मिल जाता है जिसपे हम अपने हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके वेट की बात की जाए तो 6 kg इसका वेट है। अगर बात की जाती है इसकी कुछ अच्छाइयों की तो इसकी सबसे बड़ी जो अच्छाई है वो है इसका प्राइस, और अगर आप नॉर्मल साइज़ के स्पीकर्स को यूज़ करते हैं तो ये एम्पलीफायर आपके लिए ठीक रहेगा।
अब अगर बात करते हैं इसकी कुछ कमियों के बारे में, तो इसमें हमें किसी भी तरह का डिजिटल इनपुट नहीं मिलता है, यूएसबी इंटरफेस भी हमें इसमें नहीं मिलता है, ब्लूटूथ भी हमें इसमें नहीं मिलेगा, और प्री आउट और मेन इन का फंक्शन भी हमें इसके अंदर नहीं दिया गया है। और फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो अमेज़ॉन पे ये आपको मिल जाएगा 25,900 रुपये में। तो फ्रेंड्स, अब आता है यामा का म्यूज़िक कास्ट RN602 नंबर। इसमें हमें DLNA का भी सपोर्ट मिल जाता है। फाइल फॉर्मेट्स की अगर बात करते हैं तो MP3, MWA, MPEG4, AAC, वेव, फ्लैग, AIFF, ALAC, DSD जैसे सभी फॉर्मेट्स काम करते हैं। साथ ही साथ हमें इसमें एयरप्ले का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर दिया गया है। अगर फ्रेंड्स बात करते हैं पावर आउटपुट की, तो इसमें हमें 115 वाट पर चैनल पावर मिलती है। और अगर बात करते हैं फ्रेंड्स डायनेमिक पावर की, तो ये हमें 8 ओम पर 105 वाट, 6 ओम पर 125 वाट, 4 ओम पर 150 वाट एंड 2 ओम्स पर 178 वाट्स का आउटपुट देता है। अगर फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी कुछ अच्छाइयों की, तो इसमें हमें ब्लूटूथ, वाईफाई, एयरप्ले, इंटरनेट और अमेज़ॉन एलेक्सा जैसा वॉइस कंट्रोल फीचर भी मिल जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें हमें डिजिटल इनपुट में 2 ऑप्टिकल और 2 कोएक्सियल भी मिलते हैं। अगर बात करते हैं इसकी कुछ कमियों के बारे में, तो इसमें सबसे बड़ी जो कमी है वो है इसका काफ़ी ज़्यादा वार्म साउंड आउटपुट। अगर आपके स्पीकर्स भी बहुत ज़्यादा वार्म हैं, तो ये एम्पलीफायर आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो ये अमेज़ॉन पर आपको 42,900 रुपये में मिल जाता है। तो अब आ जाता है हमारा मारांट्स का PM5005। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की अगर बात की जाए, तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्ड में ये 10 हर्ट्ज़ तक डाउन देता है। इंपीडेंस में 4-16 ओम स्पीकर आप इस पर लगा सकते हैं। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्ड की अगर बात करते हैं, तो 50 किलो हर्ट्ज़ ये दे देगा। अगर बात करते हैं टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की, तो ये 0.1% इसकी टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है, जो कि शायद ज़्यादा है। अगर ऑडियो की बात की जाए, यानी कि इसकी एम्पलीफिकेशन की बात करते हैं, तो RMS पावर में हमें 110 वाट की पावर दी गई है। अगर बात करते हैं इसके वज़न की फ्रेंड्स, तो 6 किलो 700 ग्राम का ये एम्पलीफायर है। कनेक्टिविटी में हमें एनालॉग ऑडियो इनपुट मिल जाते हैं। पावर कंजप्शन की बात करते हैं, तो 110 वाट इसकी पावर कंजप्शन है। अगर बात करते हैं इसकी कुछ कमियों के बारे में, तो इसमें हमें कोई भी डिजिटल इनपुट नहीं दिया गया है, ना ही इसमें हमें ब्लूटूथ मिलता है, वाईफाई भी नहीं हमें इसमें मिलता है, और यूएसबी का ऑप्शन भी हमें इसमें नहीं मिलता है। अगर अच्छाई की बात की जाए, तो एक काफ़ी क्रिस्पी एंड क्लियर साउंड ये हमें देता है। अगर आप नॉर्मली सेटअप लगाना चाहते हैं एक सॉफ्ट म्यूज़िक के लिए, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर बात की जाए इसके प्राइस के बारे में, तो ऑनलाइन प्राइस हमें 34,900 शो होता है। फ्रेंड्स, अगला और आखिरी एम्पलीफायर जो हमारी लिस्ट में है, वो है कैम्ब्रिज ऑडियो AX-A25 इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पावर आउटपुट के बारे में, तो 8 ओम पर 25 वाट पर चैनल ये हमें पावर आउटपुट देता है। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये 0.015% हमें डिस्टॉर्शन देगा। अगर बात करते हैं फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्ड की, तो 10 हर्ट्ज़ से लेकर 30 किलो हर्ट्ज़ तक हमें इसमें फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्ड दिया गया है। सिग्नल टू नॉइस रेशो की बात करें, तो 82 dB सिग्नल टू नॉइस रेशो दिया गया है। बात करते हैं इसकी पावर कंजप्शन की, तो 180 वाट ये वर्किंग मोड पर पावर कंजप करेगा, और इसमें हमें बेस एंड ट्रबल दोनों के ही कंट्रोल मिल जाते हैं। साथ ही साथ हमें इसमें बैलेंस का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब बात करते हैं अगर इसकी इनपुट की, तो 4 हमें इसमें एनालॉग इनपुट दिए गए हैं, और एक 3.5 mm जैक ऑडियो इनपुट भी हमें इसे दिया गया है, जो कि फ्रंट पर प्लेस्ड है। अगर आउटपुट की बात करते हैं, तो इसमें हमें रिकॉर्डिंग आउट मिलता है, USB 5 वोल्ट पावर में मिलती हैं, एंड स्पीकर आउटपुट मिलते हैं। अगर इसके वज़न की बात करें, तो 5 किलो 100 ग्राम इसका वज़न है। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो इसमें हमें USB का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, और ये एक अपनी क्लास के हिसाब से इस प्राइस में आने वाला काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और अगर बात करते हैं इसकी कुछ कमियों के बारे में, तो आप इस पे 8 ओम से नीचे के स्पीकर्स कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, और इसकी जो वोल्टेज है वो भी सिर्फ 25 वाट्स है। अगर आप एक नॉर्मली स्पीकर्स या फिर बुकशेल्फ यूज़ करते हैं, तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। और कमियों की अगर बात करें, तो डिजिटल इनपुट हमें इसमें कोई भी नहीं मिलता है।
अगर बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ऑनलाइन ये आपको 27,900 रुपये में मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे 5 एम्पलीफायर्स जिसको मैंने अपने क्लाइंट्स के फीडबैक के हिसाब से सिलेक्ट किया था, जिनके फीडबैक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिले थे। क्लाइंट्स के घर पर जब भी हम सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, तब हम पहले उसका डेमो खुद भी लेते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंगली मैं अपनी वीडियोस को भी बनाता हूं। और इसमें बताए गए जो प्राइस हैं वो सभी ऑनलाइन प्राइस हैं। अगर आप कहीं और भी ट्राई करें तो हो सकता है कि आपको कहीं से और भी ज़्यादा अच्छी डील मिल जाए। मैं फिर से आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इसे आप रैंकिंग के तौर पे मत लीजिएगा। इसमें मैंने रैंकिंग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, सिर्फ अलग अलग प्राइजेस चूज़ करके उनके हिसाब से 5 बेस्ट एम्पलीफायर्स चूज़ किए हैं, जिससे कि अगर आप इसे लेना चाहें तो आपको थोड़ी सी आसानी हो। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो इन 5 एम्पलीफायर्स के ऊपर। तो आपसे फिर से मिलूँगा किसी नई वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। और अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलूँगा किसी नई वीडियो के अंदर। जाते जाते सिर्फ आपसे एक ही बात कहूँगा कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। अभी के लिए अलविदा। जय हिंद।